प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश के बाद उत्पन्न संकट से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों का जीवन और आजीविका सुधारने के लिए 14,235 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 18,036 करोड़ रुपए है। वहीं गुजरात में एक सेमी कंडक्टर इकाई की स्थापना भी की जाएगी। भारतीय पैरा शटलर नितेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नितेश ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो में हाइड्रोजन, इथेनॉल और जैव ईंधन जैसे टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। भारतीय नौसेना ने फ्रांस में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में हिस्सा लिया। इस अभ्यास में भारत और फ्रांस के बीच गहरे तालमेल और आपसी सम्मान को रेखांकित करते हुए उन्नत सामरिक अभ्यास भी शामिल है।